दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज में अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर फोन आप मुझसे पूछोगे तो होने वाला है ये, इट इज सैमसंग गैलेक्सी S23 बेस वेरिएंट। जी हाँ, ये ना एक रेयर कमोडिटी है, एक कॉम्पैक्ट फोन फिर भी एक पावरफुल फोन, एंड दैट इज व्हाट द गैलेक्सी S23 इज। जी हाँ, ये सही में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। बहुत ही छोटा बॉक्स है, वेरी वेरी स्मॉल, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बॉक्सेस दैट आई हैव ओपन्ड। तीन कैमरा मॉड्यूल दिख रहे हैं। I will reveal this. Documentation होने वाला है, SIM card tool होने वाला है, and USB Type C to Type C cable. That's about it, दोस्तों. Let's look at the phone. ये रखते हैं साइड में. That was quick unboxing. Okay. Ooh, that cream color. अगर आप S22 के साथ कंपेयर करते हो तो डिजाइन में चेंजेस आ गए हैं। कैमरा मॉड्यूल तीनों जो फोन्स हैं, अल्ट्रा प्लस एंड दिस वन, उनको ऐसे ही कैमरा मॉड्यूल्स मिलते हैं। मतलब देयर इज नो आइलैंड सॉर्ट ऑफ अ थिंग, सिर्फ सेंसर्स ही ऊपर आते हैं, एंड आई थिंक इट लुक्स रियली गुड। इसमें और भी कलर्स आते हैं, लैवेंडर आता है, देन ग्रीन एक आता है जो मैंने दिखाया हुआ। वैसे S23 अल्ट्रा एंड प्लस का अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन कर दिया है, जरूर जाके देखिएगा। एंड इसमें ब्लैक कलर भी आता है, बट यू नो आउट ऑफ ऑल आई लाइक दिस वन, वेरी वेरी नाइस। स्पेशली ये गोल्डन फ्रेम जो है, मेटल फ्रेम, ये बहुत अच्छी दिखती है, looks rich. And I'll tell you what, आपके हाथ छोटे हैं, बड़े हैं, आपको ये फोन छोटा ही लगेगा, because it is a compact phone and I love it. And it is light. जब आप पॉकेट में डालोगे, you will not even remember कि आप कैरी कर रहे हो। आजकल ऐसे नहीं कह सकते हैं, ज्यादा करके फोन के साथ। वैसे दोस्तों ये सरप्राइजिंगली लाइट है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों ही ग्लास है, वो भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है। गिरा के दिखाने वाले हैं तो उसके लिए जरूर रुकिएगा। कितना होगा यार इसका, आई मीन आई फील इट शुड नॉट बी मोर देन 175 grams, पता नहीं यार। Let's see. I'm a little confused. छोटा है ना, साइज छोटा है, जब बड़ा होता है तो उसका अंदाज आ जाता है। 177 grams, 169.5 grams, 169, मतलब 170 ग्राम से भी कम है। अगर आप एक पावरफुल कॉम्पैक्ट फोन देख रहे हो ना, ज्यादा चॉइसेस नहीं है, इट इज S23। वैसे पावरफुल के बारे में बात करूं तो S23 अल्ट्रा या प्लस से भी कंपेयर करते हो, 90% चीजें जो अल्ट्रा में मिलती है आपको इसमें भी मिलती है, और उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। लेट्स गिरा के देखते हैं इसे। 1, 2, 3, वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का डेफिनेट टेस्ट। ओके, वन मोर, 1, 2, ओह माय गॉड, भाई इतना ज्यादा आवाज क्यों कर रहा है? आई डोंट नो, नहीं लेकिन कुछ हुआ नहीं है, वेरी वेरी वेल बिल्ड। एंड पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो यू नो ऑल द पोर्ट्स एंड बटन्स आर देयर एक्सेप्ट 3.5 mm जैक, जी हाँ वो नहीं आने वाला है। एंड सिम कार्ड ट्रे, ऑब्वियसली आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू बी, SD कार्ड स्लॉट तो नहीं होने वाला इसमें। ऑलरेडी हमने सिम कार्ड डाला हुआ है इसके अंदर टू टेस्ट 5G वगैरह। जी हाँ, प्रॉपर टेस्टिंग करके ही आपको सब कुछ बनाते हैं, विदाउट टेस्टिंग कुछ नहीं बताते हैं। ओके, बाहर तो देख लिया दोस्तों, लेट्स लुक इनसाइड। दोस्तों अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो ये 6.1 इंच का डिस्प्ले आता है। ये स्मॉल, आजकल सब 6.5, 6.7, 6.8, 6.9 इंचेस के फोन्स आ गए, दिस वन इज 6.1 इंच। एंड ये डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले है, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, लेकिन कम से कम जो रिफ्रेश रेट जाता है इसमें 48Hz तक जाता है, फ्रॉम 48Hz टू 120Hz, बट बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो गया। आई मीन इट इज वेरी वेरी ब्राइट, मुझे पता नहीं इतनी जरूरत भी थी क्या इतने ब्राइटनेस की, बट 1750 निट्स ब्राइटनेस आ गया इसके अंदर। अब दोस्तों मैंने 40% किया हुआ है, 30% पे हूं मैं, एंड जस्ट लुक एट दैट, स्टिल लुक एट दिस। बेजल्स बहुत ही पतले हैं, आई मीन दिस इज नियरली फुल स्क्रीन। चिन भी मैं कहूंगा बहुत पतली है, सो वेरी गुड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अब दोस्तों पावरफुल तो है, क्योंकि ये आता है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 इसके ऊपर। जी हाँ, ये 4nm प्रोसेसर है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारे पास जो है वो बेस वेरिएंट है, 128GB वेरिएंट। अब उसमें UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आती है, LPDDR5X है, बट UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। अगर आप 256 वेरिएंट लोगे, 8/256, दो ही वेरिएंट आते हैं, 8/128 एंड 8/256, तो उसमें आपको UFS 4.0 मिलता है, हमारा बेस वेरिएंट है, और इसीलिए अंतुदु स्कोर इसका कुछ 1.1 मिलियन, 1.2 मिलियन के बीच में आया हुआ है। आई मीन इट रियली डज नॉट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में इट इज एब्सोल्युटली सुपर डुपर स्मूथ। एक बात अच्छी हो गई अगर आप S22 के साथ कंपेयर करते हो तो, बड़ी बैटरी हो गई है। 8 Gen 2 प्रोसेसर इज वेरी वेरी पावर एफिशिएंट, अब 3700 से 3900 मिली एम्पियर आवर हो गई है। सो ये जो है ये एक डेफिनेट प्लस है, क्योंकि S22 हमने इस्तेमाल किया हुआ था, इनफैक्ट साजिद का डेली ड्राइवर था वो, और वो कहता था कि बैटरी थोड़ी ज्यादा होती तो अच्छा होता, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली S23 है। आराम से दिन भर जाएगी बैटरी, यू शुड नॉट हैव प्रॉब्लम, इवन मॉडरेटली हैवी यूसेज में भी दिन भर चली जाएगी। हाँ, लेकिन चार्जिंग इसमें 25 वॉट की है। अगर आप प्लस एंड अल्ट्रा के पास देखोगे तो उसमें 45 वॉट है, बट इसमें 25 वॉट है, 45 कर देते। बट हाँ, वायरलेस
चार्जिंग एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग उसका सपोर्ट आता है। वैसे दोस्तों इसमें जबरदस्त ऑफर्स भी हैं, अभी उसके बारे में बताने वाला हूं, पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। बट लेट्स टॉक अबाउट UI व्हिच इज अगेन अ बिग प्लस। वन UI 5.1 आता है इसके ऊपर व्हिच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 एंड सैमसंग के 4 साल के मेजर अपडेट्स एंड 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं, जो डेफिनेटली फ्यूचर प्रूफ है। अब UI के बारे में और एक चीज भी कहना चाहता हूं। अब दोस्तों अगर आपके पास सैमसंग के अलग अलग डिवाइसेज है, समझिए गैलेक्सी वॉच वगैरह है या फिर TWS है या फिर TV वगैरह, तो अब स्मार्टर थिंग्स से आप इसेंशियली एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, सैमसंग इकोसिस्टम इज ऑल्सो ग्रोइंग। सेंसर्स ऑब्वियसली सभी आते हैं। S22 के साथ कंपेयर करो तो इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, S22 में ऑप्टिकल था, सो एंड दे वर्क वेरी वेरी वेल, फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ है। ब्यूटीफुल कॉम्पैक्ट मल्टीमीडिया डिवाइस। जी हाँ, एमोलेड स्क्रीन बहुत ही सुंदर है सैमसंग का डिस्प्ले, तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस जो होने वाला है जबरदस्त है। बट इतना छोटा होने के बावजूद इसकी जो स्पीकर्स की क्वालिटी है, स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी, दैट इज वेरी नाइस। डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड है, सो मल्टीमीडिया के मामले में एब्सोल्युटली ग्रेट। हाँ, और HDR नेटफ्लिक्स पे आप स्ट्रीमिंग कर पाओगे, वाइडवाइन L1 वगैरह वो सब है, सो इट इज अ ग्रेट कॉम्पैक्ट मल्टीमीडिया डिवाइस। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो जी हाँ, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। इनफैक्ट 5G टेस्ट भी करके आपको दिखाने वाला हूं राइट हियर। देखते हैं, 5G का सिम कार्ड डाला हुआ है रिलायंस जियो का, अब देखते हैं स्पीड क्या मिलता है। जी हाँ, सभी 5G बैंड सपोर्टेड है, 13 5G बैंड सपोर्टेड है, सो ऑल द बैंड, लुक एट दैट, स्ट्रेट अवे 1.1 पे चला गया है। 1.1 GBPS आपको स्पीड मिल रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट, फैंटास्टिक। क्विकली आपको बता दूं, IP68 सर्टिफिकेशन भी आता है, सो इट इज डस्ट एंड वाटर प्रूफ, पानी के नीचे भी गिर गया दोस्तों, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सार वैल्यू वगैरह दोस्तों सब चीजें विद इन लिमिट्स, नो प्रॉब्लम्स देयर। बात करते हैं कैमरा के बारे में, एंड कैमरा कहूं, इट्स अ वेरी फंक्शनल यूजफुल कैमरा सेटअप। नियरली सब कुछ जो आपको प्लस एंड अल्ट्रा में मिलता है, इनफैक्ट प्लस और इसका जो सेटअप है एग्जैक्टली सेम है। पीछे की तरफ आपको 50 MP प्लस 12 MP प्लस 10 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 10 MP जो है दैट इज 3x टेलीफोटो, तो ऑप्टिकल जूम भी आपको मिलता है। एंड आगे का जो सेल्फी कैमरा है दैट इज ऑल्सो अपग्रेडेड। हाँ, वही 12 MP का है जो अल्ट्रा में आपको मिलता है, इसमें मिलता है। एंड आई टेल यू व्हाट, फोटोज हमने अभी पिछले 3-4 दिन से हम अलग अलग सिचुएशन में फोटोज निकाल रहे हैं। आई एम यू नो नॉट ओनली growing, I am getting impressed by these photos. जो भी photos वगैरह हमने निकाले हुए हैं उसकी लिंक, G Drive लिंक नीचे description में दे रहा हूँ। But you know, cameras are much improved on S23 series. ये मैं confidently कह सकता हूँ, अगर S22 के साथ compare करते हो तो। वैसे हाँ दोस्तों, हम full camera comparison review वगैरह लेके आने वाले हैं, इसलिए subscribe जरूर कीजिएगा। अभी चल रहा है दोस्तों अलग अलग conditions में अलग अलग जगहों पे photos निकाल रहे हैं, रात को videos वगैरह निकाल रहे हैं, सबका review करने वाले हैं and comparisons भी करने वाले हैं, so exciting टाइम्स अहेड, वेट फॉर दैट। वैसे वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो इसमें भी आप 8K 30fps वीडियोस निकाल पाओगे, 4K 60fps वगैरह, इनफैक्ट आगे भी सेल्फी में भी आप 4K 60fps वीडियोस निकाल पाओगे, सो दैट इज गुड। एंड कैमरा में एक फीचर मुझे अच्छा लगा, पहले लास्ट ईयर एक्सपर्ट रॉ, अगर रॉ फोटोज वगैरह निकालने हैं तो एक्सपर्ट रॉ आपको इंस्टॉल करना पड़ता था, जो थर्ड पार्टी ऐप था, इसमें इनबिल्ट सपोर्ट आ गया है, नेटिवली रॉ निकाल सकते हो। और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो हमने बहुत ज्यादा लंबे सेशंस नहीं खेले, जो शॉर्ट हमारे हेवी गेम सेशंस हैं, COD मोबाइल, एपिक्स लेजेंड वगैरह अच्छी तरह से चलते हैं। बट अगेन डिटेल रिव्यू के लिए जरूर रुकिएगा, क्योंकि लॉन्गर सेशंस में परफॉर्मेंस थ्रॉटल होता है, नहीं होता है, गर्म कितना होता है, वो सब चीजें हमें और टेस्ट करनी है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट पावरफुल फोन चाहिए दोस्तों, आई डोंट थिंक यू हैव चॉइसेस, और वैसे भी बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है अभी ऑफर चल रही है जहां पे इफ यू आर गोइंग टू बाय दिस देन यू आर गेटिंग अ गैलेक्सी वॉच 4 और उनके बड्स जो हैं दोस्तों वो 5,000 रुपए में मिल रहे हैं, तो एंटायर इकोसिस्टम आपका रेडी हो जाएगा। और अगर मैं प्राइसेस के बारे में बात करूं तो आई विल सजेस्ट यू 8128 की जगह पे आप 8256 लीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस उतना ही ज्यादा मिलता है UFS 4.0 की वजह से। 8128 लिया तो UFS 3.1 आपको मिलने वाला है, सो प्राइस इज 75,000 एंड 80,000, 5,000 का डिफरेंस है, इट इज वर्थ पुटिंग दैट 5,000 एक्स्ट्रा फॉर 256 GB वेरिएंट। वैसे रिव्यू आने वाला है, इसलिए अगर आपको कोई सवाल है, यू हैव सर्टेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस, नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।